जय श्री कृष्णा। मेरी हॉबी 87 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कान्हा जी की ड्रेस, यानी उनकी पोशाक, फ्लफी सुंदर पोशाक। इसके लिए मैंने एक राउंड शेप में क्लोथ काट लिया है। मैंने ये अपनी पुरानी जो ठाकुर जी की पोशाक का साइज़ लेके काटा है और पीछे बुकरम भी फिक्स कर दिया है। अब मैंने सर्कल को हाफ सर्कल बनाया और इसको वापस टर्न करा। अब इसमें एक हम ऊपर एक छोटा सर्कल काटेंगे। आप भी अपने ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की पोशाक, जो भी आपको साइज़ चाहिए उनकी पुरानी पोशाक से साइज़ लेके बना सकते हैं। उनके साइज़ की ड्रेस बन जाएगी बिल्कुल। अब मैं इसको एक सेंटर से इसको कट कर दूंगी। ये इस तरह से सेंटर से कट कर दिया है और बुकरम भी मैंने प्रेस से फिक्स करी है आयन से। आप किसी भी फैब्रिक ग्लू से भी फिक्स कर सकते हैं। अब मैं इस पर एक नेट लगा रही हूँ, गोल्डन डॉट की नेट है, ब्लू कलर की। मैं इसको एक फ्लफ़ी फ्लोरल लुक दूंगी ड्रेस को, जो बड़ा ही अच्छा लगेगा और फैंसी लुक होगा। इसको इस तरह से मैंने सर्कल में करके इसको पूरा कवर कर दूंगी। जो स्टार्टिंग के एज थे उन पे मैंने ये लेस लगाई है। अब मैं इसके चारों तरफ जो भी ओपन एरिया उसको कवर करूँगी। ये लेस थोड़ी हार्ड है तो इसलिए मैं इसको फोल्ड करके लगाऊंगी, लेकिन ये लुक में भी अच्छी लग रही है एज अ डिज़ाइन। अब मैं एक छोटी छोटी स्ट्रिप काटूंगी। ये मैंने स्ट्रिप काट के रखी थी, इनको स्ट्रिप से मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में काट लिया है। जो भी वो शेप आपके इस तरह से, और इससे हम पूरे ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे इन पीसेस से। ये सारे नेट के पीस हैं गोल्डन डॉट के, बहुत अच्छे लगेंगे लुक में। लाइट वेट होगी और बड़ी ही अच्छी लुक में बनेगी। ये इस तरह से मैंने इसको फैलाया और एक नॉट लगा के इसको ऊपर उठा दिया, यहाँ से ऐसे पॉइंट बना के। इस तरह से ये एक फ्रिल टाइप बनेगी। इस तरह से मैं इसको कई पीसेस बना के ये इस पर स्टिक कर दूंगी, लेयर लेयर, वन लेयर, सेकंड लेयर, ऐसे पूरा ड्रेस का जो सरफेस है उसको कवर कर दूंगी। जो स्कर्ट है, घेरा है, जो अब मैं इसमें इसको कंट्रास्ट में करूँगी। ब्लू के साथ येलो भी बहुत अच्छा लगेगा गोल्डन डॉट में, तो दोनों कलर ही मिलके बहुत अच्छे लुक में आएंगे। इसको भी इसी पैटर्न में कट करके और ऐसे ही मैंने पॉइंट बना के इस तरह से स्टिक करती जाऊँगी। अल्टरनेट कलर करूँगी, वन ब्लू एंड वन येलो। आपको जो भी चॉइस हो, आपके पास जैसा भी कलर हो, आप लगा के ड्रेस को नया लुक दे सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी लेयर लगा दी हैं वन बाय वन। पहले फर्स्ट लेयर कवर करी, फिर सेकंड लेयर करी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट में बताया है। पैटर्न सेम ही है जैसे वन लेयर में यूज़ करा था। जहाँ जहाँ ओपन स्पेस है वहाँ एज अ फिलर की तरह मैं ये सारे कलर की पॉइंट स्ट्रिप बना के लगा दूँगी। तो ये पूरा बड़ा ही अच्छा लुक आ रहा है फ्लफ़ी। फ़ोटो में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी फैंसी लुक आएगा इसका ड्रेस का। अब हम ड्रेस की चोली बनाएंगे। इसके लिए मैंने रेक्टेंगल शेप का क्लोथ काट लिया है। ये टिश्यू फैब्रिक है,
और इसको मैंने दो में डिवाइड कर लिया है, डबल स्ट्रिप बन गई। और इसको वी शेप में मैं बैक साइड में जॉइन कर दूंगी। ये मैंने गोटा पत्ती की लेस लगाई है, इसको आप जब भी लगाएं बिल्कुल टाइट से खींच के लगाएं, नहीं तो श्रिंक होएगी, ये हमेशा आप ध्यान रखें। साइड से एजेस धागे नहीं निकले और एक बॉर्डर अच्छा सा स्वीकनेस देने के लिए ये मैंने लेस लगाई है। अब मैं फ्लफ़ी स्लीव्स बनाऊंगी जो स्टाइलिश लुक देगी स्लीव्स का। इसके लिए नेट को मैंने छोटा छोटा फ्रिल करके सेंटर पार्ट में येलो कलर का लगा दिया है। अब दोनों साइड में मैंने गोटा पत्ती की लेस लगाई है इस तरह से। अब बैक साइड में इसको कवर कर दूंगी ग्लू से, और इसको जो हमने वी शेप बनाई थी वो उसमें आ जाएगी, उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। और इस तरह से फ्रंट से भी इसको फिक्स कर देंगे ग्लू से। अब मैं छोटे छोटे धागे वाली बो बनाऊंगी जो इन बटन के पास छोटी छोटी डोरी अच्छी लगेगी इस तरह से। इसको मैंने बटन के नीचे लगा दिया है जो एक नॉट लगा के अच्छा लगेगा ड्रेस पर। ये देखिए ड्रेस तैयार है, हमारी फ्लफ़ी ड्रेस तैयार है। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में लेस लगाई थी उसके मैंने एजेस कट कर दिए हैं क्योंकि वो लेस बड़ी थी, बॉर्डर हमारा कवर हो गया है उससे। ये देखिए फ्लफ़ी ड्रेस तैयार है, आप भी बनाइए। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मेरी हॉबी 87।